अकुला रही है। बेटा बोलो, जल्दी बोलो, मन हुआ बेचैन, छोड़ो ना मेरी आस को, ध्यान में बेटा तेरे में, भूल बैठी प्यास को। क्या करूं इन बेचारों को, किस प्रकार समझाऊं? बेटा तुम इतनी देर तो किसी भी काम में नहीं लगाते, हम तुम्हें बुलाते थे, तुम दौड़े चले आते थे, आज कहां चले गए बेटा, जल्दी आओ बेटा। आया आया, माता पिता आपके लिए जल लेके आया, लीजिए जल पी लीजिए। यहाँ तो श्रवण की आवाज नहीं है, भाई तू कौन है और हमारा श्रवण कहाँ है? माता जी आप प्यासी हैं, पहले जल पी लीजिए, उसके पश्चात मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं, हम श्रवण के बिना कदापि जल नहीं पिएंगे, सच बता हमारा श्रवण कहाँ है? बताऊं कैसे बताऊं, गिरी और जिगर में आग जलती है, करूं उसका बयां कैसे, मुख से यहां निकलती है। हाँ सहारा तुम दोनों का सुपुर्द सिदारा है, तुम्हारे पुत्र को मैंने ही खिली हाथों से मारा है। हाय विदाता, मैं लूट गई, कैसा पहाड़ टूटा, ये क्या देख रहा हूं, हे ईश्वर मैं आज इन आबादी आंखों से ये क्या देख रहा हूं। कहता है लगते जिगर को हाथों मेरे हुआ है, मरबाग घर किसी का, तेरे पुत्र के भी योगियो श्रवण की मृत्यु पर दो आंसू बहाने के लिए तो उठो, रह गया रोना सदा को बेबसी की जान का, चूम लो एक बार मुखड़ा प्रिय संतान का। अच्छा भाई अब ये तो बता कि हमारे पुत्र ने कैसे अपने प्राण त्यागे। सुनो, तुम्हारा पुत्र जब जल लेने नदी के किनारे आया तो मैंने उसे पशु जानकर उस पर शपवेदी बाण चला दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यदि तुम जल लेकर हमारे पास न आता, और सच्चा हाल न बताता, तो हम तुझे ऐसा शाप देते कि तेरा जाता। अच्छा अच्छा भाभी, अपने पुत्र की लाश पर ले
चलिए महात्मन। लीजिए महात्मन आपके पुत्र की लाश। हाय बेटा, तेरी यह दशा हम अंधों को बीच में ही धोखा देकर चला गया बेटा। माता पिता धीरज धरो, अधिक ना कल पाओ, दुखी मन को समझाओ, जैसे भी हो हृदय को शांति दो। हाँ श्रवण के बदले मुझे ही अपना पुत्र समझो। अरे अन्याय, तूने जिस प्रकार से हमें पुत्र के वियोग में तड़पाया है, उसी प्रकार ये पाप तेरा भी पीछा ना छोड़ेगा और तू भी अपने संतान के बिहे में बिलक बिलक कर दम तोड़ेगा। हाय श्रवण, अब हम भी हुए समापन, बस आशा के साथ साथ अब प्राणों निकल चलो, अब बेटे के साथ साथ। घोर अनर्थ, एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु, एक हत्या के साथ तीन तीन हत्याएं। अब आगे दशरथ, हर जीव कैसा पाप किया है अपने सिर पर, इन निर्दोषों का श्राप लिया है। इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार होगा। हे जगदीश्वर, आज ये कैसी लीला रचाई है। तकदीर मुझे ये कहां खींच के लाई है। बोल सियावर रामचंद्र की। जोश समय के साथ ढीला पड़ता हुआ, तालियों में भी कमी नजर आ रही है। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद हमारे बीच उपस्थित होकर आपने आज के इस कार्यक्रम को सराहा और हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की अंतिम सीढ़ी की तरफ चलने से पहले कुछ दानी सज्जन